हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं केक, वो भी बिना गैस जलाए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकता है बिना किसी परेशानी के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ओरियो बिस्किट का 4 पैकेट लिया है, छोटा वाला। बिस्किट में जो क्रीम है उसको हम अलग निकाल के रख देंगे। अभी मेरा बेटा बैठा है तो ये क्रीम खाए जा रहा है। आप चाहें तो आगे इस क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट से क्रीम अलग कर लिया है और अब हम एक पन्नी लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा मोटा पन्नी लीजिएगा, नहीं तो बेलन चलाने से पन्नी फट सकता है। या फिर आप मिक्सी में इसे पल्स पे पीस लें। बारीक नहीं पीसना, क्रम्बल करना है इसको, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखना है। अगर ज़्यादा बड़ा टुकड़ा है तो उसको हाथों से ऐसे हम तोड़ लेंगे। अभी देखिए मेरा बेटा भी हाथ पटा रहा है। और अब हम इसमें बटर या घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच बटर डाल रही हूँ, बटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा थोड़ा करके हम बटर डालेंगे और मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट ना होने लगे। जैसे कि हम ऐसे दबाएं तो ये अच्छे से सेट होने लगे, बस उतना ही बटर डालना है। और अब हम इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पे मैं केक टिन की जगह प्लास्टिक फूड कंटेनर यूज कर रही हूँ, जो बाहर से खाना या मिठाई मिलता है। इसके ऊपर का हिस्सा मैं काट करके निकाल दूँगी। और अब हम एक प्लेट लेंगे और उसके ऊपर ये बनाया हुआ केक टिन रखेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे केक टिन का मिश्रण। और इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे और ऐसे चम्मच से इसको दबाएंगे। अब हम रख देंगे इसे साइड में। और यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम लिया है अमूल का। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे, क्योंकि इसमें चीनी नहीं होता है तो हमें इसमें चीनी भी डालना है। यहाँ पे हमारा 1 कप क्रीम है। यहाँ पे आप इसे फॉर्क से भी व्हिप कर सकते हैं, या फिर विस्क से, या आप मशीन से भी कर सकते हैं। गर्मी का टाइम हो तो आप इसके नीचे थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा रख लीजिए और उसके बाद हम इसे ऐसे व्हिप करेंगे जब तक कि ये थोड़ा फ्लफी ना हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा क्रीम हल्का सा फ्लफी हुआ है। तो अब हम इसमें 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। ये हमने चीनी को पीस करके लिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कोकोआ पाउडर, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। ये दोनों चीज़ों के बिना भी आप इसे बना सकते हैं, बस फ्लेवर के लिए मैंने ये डाला है। और फिर से हम इसको व्हिप करेंगे थोड़ा सा और इसको फ्लफी बनाएंगे, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पे मैं इसके नीचे से आइस क्यूब हटा दी हूँ। गर्मी का मौसम हो तो ही इसके नीचे आप आइस क्यूब रखें, वरना ठंडी के मौसम में ऐसे ही आप इसे व्हिप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्रीम कितना गाढ़ा हो गया है और इसमें थोड़ा सा पिक भी बन रहा है। इसमें हमें सॉफ्ट पिक की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसको डाल देंगे अपने केक टिन में। ऊपर से थोड़ा हम ऐसे सिकना कर देंगे। और अब हम इसे रख देंगे डीप फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए, जिसमें कि हम आइसक्रीम जमाते हैं। 3 घंटे के बाद हमने इसे निकाला है और इसके ऊपर से थोड़ा सा ओरियो बिस्किट ऐसे छन्नी से डाल देंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम केक टिन को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको केक टिन निकालने में परेशानी हो रहा हो तो थोड़ा सा गर्म पानी में सूती कपड़े को निचोड़ लें और फिर चारों तरफ लगा दें, फिर आसानी से निकल जाएगा। देखिए हमारा केक बहुत ही बढ़िया बना है, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी करी हूँ इसको फ्रिज से बाहर निकालने में। ये थोड़ा सा देखिए अभी गीला गीला लग रहा है, तो आप जल्दी ना करें और फ्रिज में 1 से 2 घंटे और रख दें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।